इस वक्त अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सोनाली फगाड़ के घर वालों के नाल जिहड़ी मुलाकात है वह करन आ रहे हैं। पिछले दिनों दे विच जिस तरीके दे नाल गोवा दे विच जिहड़ी रहस्यमय तरीके दे नाल मौत हुंदी है और सीधे तौर पर जिहड़ा एक कतल का मामला है वह दर्ज किया जाता है और उस तो बाद जिहड़े उन्हां दे पीए ने उन्हां दी गिरफ्तारियां जिहड़ियां इस मामले दे विच हो चुकियां ने, लगातार जिहड़ी पुछगिछ है इस मामले दे विच कीती जा रही है। और इस वक्त मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान और उन्होंने नाल जिहड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिहड़े अज मिलन दे लई पहुंच रहे हैं और इस तो पहला जिहड़े आशीष गुप्ता जिहड़े दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर ने तो वह अज जिहड़ा परिवार के नाल दुख प्रगट करन दे लई पहुंचे ने। तो इस वक्त जिहड़ी तस्वीर है तुसीं देख सकते हो, तो इस वक्त जिहड़ी तस्वीर है तुसीं देख सकते हो कि सामने जिहड़ी गड्डियां दा काफिला आ रहा है तो मुख्यमंत्री दोनों स्टेटां दे जिहड़े मुख्यमंत्री ने दिल्ली के और उन्होंने नाल पंजाब के मुख्यमंत्री का दोनों मुख्यमंत्री अज सोनाली फगाड़ के परिवार के नाल दुख साझा करने के लिए आ रहे हैं। तो अपने दो दिन जिहड़े हिसार दौरे ते ने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान और उन्होंने नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो दो दिन दौरे ते ने, जिस दे विच आदमपुर जिहड़ी सीट हुण वेली हो चुकी है विधानसभा तो क्योंकि कुलदीप बिश्नोई दे वल्लों अस्तीफा दिता जा चुका है। तो उन्होंने नाल जिहड़ी एक जिहड़ी सीट वेली हुई है उस सीट ते प्रचार करन दे लई भी आउणगे और कल नूं जिहड़ी एक रैली है उसनों संबोधन किया जाना। तो इस वक्त जिहड़ी तस्वीर तुसीं देख सकते हो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्होंने नाल मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान, तो दोनों जिहड़े स्टेटा के मुख्यमंत्री ने वो गए ने। तो यह तस्वीर तुसीं देख रहे हो कि मुलाकात करन दे लई दोनों स्टेटा के जिहड़े मुख्यमंत्री ने वो पहुंचे ने, जिन्हां दे वल्लों अज मुलाकात है जिहड़ी ओ कीती जाएगी परिवार के नाल दुख सांझा किया जाएगा। जिहड़ी सोनाली फगाड़ दे बेटी ने उन्हां दीआं भैणां उन्हां दे परिवारक मैंबर ने जिहड़े ओह पहलां तों ही पहुंचे हुए सी तां उन्हां दे नाल जिहड़ी एक मुलाकात है वह की जाएगी और मुलाकात तो बाद जिहड़ी मीडिया के नाल गलबात है वह करनगे दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री। तो परिवार के नाल दुख सांझा करन दे लई पहुंचे ने, तो हुण तों कुछ ही देर दे विच बाहर जिद्दां ही आउणगे तो उस तो बाद परिवार के नाल जिहड़ी गलबात है वह की जाएगी। हम लोग सोनाली फोगाट जी के पूरे परिवार से मिले, उनकी जिस तरह से हत्या की गई है और जिन संदेहास्पद सर्कमस्टांसेस के अंदर उनकी हत्या हुई है ये बेहद दुख की बात है। वो हमारे देश की बहुत जानी मानी हस्ती थी, हमारे देश की बेटी थी, हमारी बहन थी। पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है, पूरे परिवार को लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। परिवार की भी मांग है, पूरे देश की भी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब सीबीआई इसके इन्वेस्टिगेशन करेगी। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। एक मात्र दो मिनट के अंदर अगर वो निर्णय ले लें तो ये मामला जो है सीबीआई में जा सकता है और सीबीआई में जाएगा तो इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो असली दोषी हैं वो सामने आएंगे। अभी परिवार से जो बात हुई उनको लग रहा है कि एक तरह से पूरे केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम भी पूरी मांग करते हैं कि इसको तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए और इसमें न्याय हो और निष्पक्ष जांच हो ताकि पूरे देश के सामने पता चल सके कि कौन लोग दोषी हैं और उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। क्योंकि परिवार को ये भी लगता है कि एक तो इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, एक बेटी परिवार से चली गई और टैलेंटेड लड़की जिसमें भगवान ने बहुत टैलेंट दिया और उस अपने बलबूते पर उसने नाम पैदा किया अपना, और ऊपर से ड्रग्स के जो इल्ज़ाम लगाकर कलंकित करने की कोशिश की जा रही है परिवार को, तो परिवार को इस बात का भी ज़्यादा दुख है कि एक तो मौत का तो दुख है ही लेकिन साथ में जो इल्ज़ाम झूठे ऐसे लगाए जा रहे हैं कि ओवर ड्रग से ऐसी घटना हो गई, अब वो तो निष्पक्ष जाँच की हम भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ आए हैं और हम उनके परिवार को मिलने आए थे और उन परिवार का ये भी कहना था कि अब तक कोई बीजेपी का नेता, तो दूर की बात है कोई पक्षी भी बीजेपी सपोर्टर जो है वो इस घर में नहीं आया,
ना ही गोवा में उनको मिले, तो सीबीआई की जांच की मांग परिवार कर रहा है और तीनों जगह पे केंद्र में, गोवा में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आती कौन रोक रहा है। वैसे तो सीबीआई भेजने में एक मिनट नहीं लगाते, लेकिन अगर कोई ऐसी जांच करनी हो तो पता नहीं क्यों मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन देश की बेटी थी, पार्टी जो मर्जी हो, विचारिक मतभेद चलते रहते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, पर देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि परिवार वालों को ये तसल्ली हो जाए और उनका उनको ये लगे कि हाँ इस देश में न्याय होता है। जितना ज़्यादा सीबीआई की जांच को रोकने की कोशिश की जाएगी, उतना ज़्यादा देश की जनता के मन में शक पैदा होगा कि कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को इस मामले को, ये वारदात आदमपुर चुनाव से पहले हुई है, किसी का भी हो सकता है, तरह तरह के शक और तरह तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि अच्छी जांच हो और निष्पक्ष जांच। आदमपुर चुनाव से आपको नजर आती है पूरे मामले में लिंक जुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तरह तरह के, जैसे आपने एक एंगल दिया, इन्होंने एक एंगल दिया, किसी और के मन में कुछ इस तरह की 100 शंकाएं हैं जो लोगों के मन में है। कोई कह रहा चुनाव से रिलेटेड है, कोई कह रहा बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, कोई कह रहा बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, कोई कह रहा बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, कौन इन्वॉल्व है, किसने किया, ये तो सबके सामने आना चाहिए और जो असली दोषी हैं वो पकड़े जाएं, जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े जाएं और उनको सख्त सजा मिले। सोनाली फगाड़ जी के जो जेठ हैं कुलदीप जी हैं, उनके साथ बातचीत कर लें। कुलदीप जी, आज भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने आपके साथ मुलाकात की है, क्या रहा इस बातचीत में मुख्य तौर पर? वो श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, हिसार में आए हुए थे, वो कल उनकी रैली है आदमपुर हल्के में, कल वो यात्रा है उनकी, पैदल यात्रा है, उसके बाद रैली करेंगे वो हमारे पास, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे सोनाली जी को। उनको पता भी बीजेपी की एक नेता गुजरी हुई है, तो वो मिलने के लिए आ गए थे और पूछने के लिए आए थे आपकी क्या कार्रवाई चल रही है, पुलिस सहायता कर रही है या नहीं कर रही। तो हमने तो कह दिया ना हरियाणा सरकार हमारा साथ दे रही ना पुलिस कार्रवाई कर रही, हमने तो दोनों मुख्यमंत्रियों को कह दिया है, भगवंत सिंह मान जी को और केजरीवाल को आश्वासन दे के गए हैं वो भी, हम यानी कि करेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको। और वो बेटी यशुंधरा भी मिली थी उनसे, यशोधरा जो कि सोनाली जी की बेटी है, उनको भी आश्वासन दिया है, बोला तू घबरा मत बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, दिल लगा के पढ़ाई कर। मैं यही बातें की थी और क्या नहीं, कोई बातें नहीं थी। आज दोनों मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है कि सीबीआई की जांच करवाने के लिए दोनों स्टेटें अपने तौर पे काम करेगी और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगी। नहीं, ये आश्वासन तो दिया है उन्होंने भाई, दोनों हम बात करेंगे, केंद्र में भी बात करेंगे, स्टेट के अंदर भी बात करेंगे, मान जी ने भी कहा है, ये केजरीवाल जी ने भी कहा है, और बाकी कोई पॉलिटिकल बातें नहीं हुई हमारी, वो तो श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे यहाँ, बस यही बातें थी। और वो देखे विश्वासन, हमने लेटर लिख के दे दिया उनको जी, हमारी ये मांग है सीबीआई इंक्वायरी करो, नार्को टेस्ट करवाया जाए, बस और कोई फालतू बातें नहीं हुई हमारी। इस तरीके से लगातार आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, पर फिर भी सीबीआई जांच के लिए अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ, जबकि आपकी एक बार मुलाकात मुख्यमंत्री हरियाणा से भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हरियाणा से हो चुकी है, उन्होंने कहा था लिखित रूप में दो, लिखित रूप में दे आए थे उन्होंने, बोला मैंने भेज दिया है गोवा का, वो सीएम नाट गया, बोला इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी की क्या जरूरत है। तो बस यही बातें हैं और क्या बोलूँ मैं तो। गोवा पुलिस पिछले दिनों आई, उन्होंने बोला कि हम जांच इस चीज़ की कर रहे हैं, आपके यहाँ पे आपसे कोई बातचीत हुई गोवा पुलिस की? मेरी कहाँ से बात हुई थी, वो तो अपनी खन्ना पूर्ति करते फिर थे मेरे कहने, तो पुलिस आवा तो मैं बता दूँ यार पुलिस ने भाई किस तरह इंक्वायरी होया करे। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दे बोले इस वक्त मुलाकात पूरी हो चुकी है, तस्वीरां तुसी देख सकते हो कि जिहड़ियां गड्डियां ने मुख्यमंत्री दे काफले दियां वो निकल रही ने, तां बाहर निकल के जिहड़ी गलबात हैगी वो की गई है अरविंद केजरीवाल दे वल्लों और इस तो इलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों। तां जिस तरीके की गलबात की गई है कि बीजेपी की सरकार है जिहड़ी दोनों स्टेटां दे विच, चाहे जिक्र कर लिया जाए हरियाणे का और चाहे जिक्र कर लिया जाए गोवा का, पर इस दे बावजूद भी जिहड़ी सीबीआई की जांच है वो नहीं करवाई जा रही है, तो कितना कितने जिहड़ियां आशंकावां पैदा होंदियां ने कि कुछ
लोगों का शायद नाम है जोड़ा इस चीज़ के आ सकता तो इस करके जी जाँच हैगी नहीं करवाई जा रही। भगवंत मान सीधे तौर पर तंज कस के नज़र आए कि जिस तरीके के जाँच का विषय की गल कर ली जाए तो सी बी आई की रेड करवाने लिए कोई भी जो समय है वह बीजेपी नहीं छड़ती, पर इस जगह के उपर क्यों जरा रोकया जा रहा है तो साफ तौर पर कहा गया कि जोड़े वक् वक् एंगल है इस चीज़ के हो सकते हैं कि कुछ राजनेता इस मौत के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं, उत्थे बहुत सारे जोड़े बिजनेसमैन है वह इनवॉल्वमेंट है जी उन्होंने हो सकती है तो सीधे तौर पर जोड़िया आशंकावान बहुत ने, पर जिन्ना चर इसकी कोई जाँच सी बी आई तो नहीं करवाई जाती उन्नी देर तक इस मामले के सच है जोड़ा सामने नहीं आ सकता। तो अज जी मुलाकात सी परिवार के नाल की गई है और परिवार के नाल कह के असी खड़े हैं चाहे साढ़े उन्होंने मतभेद ने कुछ पार्टी के तौर पर थोड़िया अलग अलग पार्टी हो सकदियां ने, पर देश का जोड़ा नाम रोशन किया सोनाली ने अपने टैलेंट के नाल अपने जोड़े हुनर के नाल अपना नाम चमकाया और इस करके जोड़े उन्होंने परिवार के नाल इस वक्त खड़े ने। कैमरामैन संदीप दे नाल रोहित पक्का, ए बी पी साझा, हिसार।